सो वेलकम गाइस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट काउंट्स के बारे में। प्लेटलेट काउंट जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेमाटोलॉजी का। प्लेटलेट की बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड सेल। जो हमारे ब्लड सेल्स हैं जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स, तो ये पार्ट है हमारे ब्लड सेल्स का। इसकी साइज की बात करें तो 1.5 से 3 माइक्रोन का साइज होता है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आरबीसी का साइज हमारा होता है 7 माइक्रोन, उससे कम हुआ तो प्लेटलेट यानी कि 1.5 से 3 माइक्रोन, और आरबीसी का साइज से अगर ज्यादा बड़ा हुआ तो वो होगा WBC, जो कि हमारा 12 से 15 और 20 तक भी उनका साइज माइक्रोन में देखने को मिल जाता है। मेथड्स, सो बेसिकली हमारे पास तीन मेथड है। काउंटिंग चैम्बर से हम जो टेस्ट करते हैं यूजिंग हेमोसाइटोमीटर, उसको डायरेक्ट काउंट के अंदर कहते हैं, जो कि हम अंडर माइक्रोस्कोप न्यू इम्प्रूव्ड काउंटिंग चैम्बर के अंदर चेक करते हैं। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है आज की डेट में भी, ध्यान रखने वाली बात है ये। दूसरा है स्मेयर प्लेटलेट काउंट, यानी कि हम जब PBF पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते हैं, उस स्मेयर के अंदर हमको WBC काउंट करते हैं ना, DLC काउंट, तो उसी में हम प्लेटलेट काउंट भी कर सकते हैं, बट ये इनडायरेक्ट काउंट मेथड एक तरीके से है। और तीसरा है ऑटोमेटेड काउंट, जो कि आज की डेट में बहुत मतलब चलता है, कुल्टर काउंटर यूज कर जिसके अंदर हम प्लेटलेट काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों डिस्कस कर लिए, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो काउंटिंग चैम्बर बाय यूजिंग हेमोसाइटोमीटर, जो कि डायरेक्ट काउंट है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछ ले जाते हैं, तो इसी को हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं, राइट। प्रिंसिपल की बात करें तो व्हेन ब्लड इज मिक्स विद डाइल्यूटेड दैट इज अमोनियम ऑक्सलेट, इट विल राइज ऑल द आरबीसी, फाइनली वी सी अंडर द फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। सो जो ये डेफिनेशन वगैरह, ये अपने हिसाब से भी आप लंबी कर सकते हो कुछ और जोड़ जाड़ के, क्योंकि बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि फंडा क्या है, आगे पीछे लगाओ इंग्लिश और बड़ा कर दो, उनके लिए जिन्होंने थ्योरी एग्जाम में वो मांगते हैं कि थोड़ा लंबा लंबा लिखो, तो इस हिसाब से, राइट। मटेरियल की बात करें तो प्लेटलेट कह रहा हूँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो, ग्लव्स हो गया, लैब कोट हो गया, जो भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इम्प्रूव न्यू बार काउंटिंग चैम्बर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। वैसे WBC की जो काउंटिंग वीडियो थी, WBC काउंट की, उसमें बताया था डीपली, पर फिर भी जो नए होंगे तो डायरेक्ट वो देख सकते हो। ये काउंटिंग चैम्बर होता है, ये जो स्पेस है ब्लैक ब्लैक आप दिख रहा है, इसके अंदर हम सैंपल डालते हैं अपना, जो मिक्स करा ना ये हमने डाइल्यूटेड अमोनियम ऑक्सलेट मतलब ब्लड, तो सैंपल बनने के बाद हम इसमें चार्ज करते हैं। तो इसमें हम दो पेशेंट का कर सकते हैं, रोहित का इसमें, जैसे रोहन का इसमें, तो अलग अलग पेशेंट का कर सकते हैं। एक चीज थे माइक्रोपिपेट, जो हमको माइक्रोपिपेट चाहिए होती है कि कितना अमाउंट हमें ब्लड चाहिए, तो एक्यूरेट अमाउंट चाहिए होता है, अदरवाइज वो खराब होने के चांसेस होते हैं सॉल्यूशन का। इडिटी ब्लड, क्योंकि हम ब्लड सैंपल से करेंगे तो इडिटी ब्लड, और यहाँ पे एक और बात ध्यान रख लो आप, अगर इडिटी ब्लड में कई बार क्लम्प हो जाते हैं प्लेटलेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट। सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चांस क्या था कि हम पॉपुलेशन वाइज से हम प्लेटलेट काउंट करें, ठीक है, उसके फिर अलग उसका फंडा प्रॉपर वो अलग बात है। देन एक हमको चाहिए अमोनियम ऑक्सलेट, जो कि 1% होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि डाइल्यूटेड है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है, ये फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप आपने सुना होगा, नाम है, स्पेशल टाइप का होता है, बस लाइट माइक्रोस्कोप में एक फेस ऐड किया होता है जो कि उसको कंट्रास्ट देता है, मतलब जहाँ पे हमारे पास एकदम विदाउट कलर्ड सैंपल होते हैं उनमें से हम अगर ढूंढना चाहते हैं, मतलब अगर ट्रांसपेरेंट है कोई, तो उसके लिए फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब देखो इसमें भी आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, पैटरी डिश चाहिए होती है क्योंकि हम जो काउंटिंग चैम्बर है उसको हमें कुछ देर तक रखना होता ताकि जो सेल हमने चार्ज के दौरान डालने इसमें वो नीचे बैठ जाए, अपनी जगह पे बैठ जाए, तो उसके लिए हमें अगर बाहर रख देंगे तो सूख सकता है, तो उसके लिए हमें पैटरी डिश चाहिए होती है, ठीक है, जो कि फिल्टर पेपर से एब्जॉर्ब होती है, और भी बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो अगर आपने बड़ा करना है, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डायल्यूशन, तो इसकी डायल्यूशन क्या होती है, 1:20, 1 part हमारा ब्लड होता है, 20 part अपना डायल्यूटेड, दैट इज अमोनियम ऑक्सलेट, 1% अमोनियम ऑक्सलेट, राइट। प्रोसीजर की बात करें तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है ये कि प्लास्टिक की हमें छोटी सी ट्यूब चाहिए होती है। ये सब प्रोसीजर क्या है, हमें प्लास्टिक की ट्यूब चाहिए, इसकी जगह हम ग्लास वाइल भी ले सकते हैं, पर ग्लास वाइल की जगह प्लास्टिक की प्रेफर ज्यादा की जाती है, राइट। करना क्या है, 950 माइक्रोलीटर हमें अमोनियम ऑक्सलेट इन द ट्यूब, तो 950 माइक्रोलीटर अमोनियम ऑक्सलेट हमें इस ट्यूब में डालना है, जो कि हमारा रिजल्ट है एक तरीके से, और 50 माइक्रोलीटर EDTA, तो 50 माइक्रोलीटर EDTA ब्लड डालना है, उसके जो ब्लड डालेंगे उसको मिक्स कर लेना पहले अच्छी तरीके से, ठीक है, ये प्रिकॉशन वगैरह बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है, और आगे मैं डिस्कस भी करूंगा।
तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 into 20, 1 part ब्लड का दैट इज 50, अगर 50 into 20 करेंगे तो 1000 होगा। तो फाइनली जो हमारी डाइल्यूशन बनेगी वो 1 into 20 बन रही है। प्लस इसकी जगह हम कुछ और डाइल्यूशन ले सकते, बट हमने डाइल्यूशन सेम रखनी, 1 into 20 अमाउंट हम चेंज कर सकते। जैसे 380 माइक्रोलीटर हम अमोनियम ऑक्सलेट, जो कि मोस्ट ऑफ बुक में आपको देखने को मिल जाती है, और 20 माइक्रोलीटर ईडीटी ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं, अगर सेम चीज उसमें भी करेंगे तो वो भी हमारा 1 into 20 डाइल्यूशन ही बनेगी। उसके बाद हम मिक्स करते हैं डाइल्यूट ये सैंपल, इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक रख देंगे। इस 5 मिनट में क्या होगा, जो हमारा अमोनियम ऑक्सलेट है वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो भी आरबीसी होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमारा बचेंगे क्या, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी तो बहुत बड़े होते हैं, प्लेटलेट बहुत छोटे, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, जिसकी वजह से इजिली हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, राइट। फिर हमने चार्ज करना है काउंटिंग चैम्बर में। जब भी मैं काउंटिंग चैम्बर बोलूँ तो अभी इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम पिपेट से हल्का सा जैसे टच करेंगे तो बाय द कैपिलरी रिएक्शन इसके अंदर चला जाएगा अपने आप, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसको कहते हैं चार्ज, जो ये प्रोसेस होता है इसको कहते हैं चार्ज। तो चार्ज द काउंटिंग चैम्बर यूजिंग पिपेट। उसके बाद और चार्ज करने से पहले हमें थोड़ा मिक्स भी कर लेना है इसको, ये मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ डीपली। कीप द चार्ज चैम्बर इन द मोइस्ट पेट्री डिश। इसके बाद हमें इसको रखना पड़ता है थोड़ी देर, अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो 5 से 10 मिनट, यानी बहुत बड़ा गैप है। और अमाउंट कितना है, 0.1 mm/cube इसके अंदर सॉल्यूशन होता है, जो काउंटिंग चैम्बर है 0.1 mm। सोचो आप थोड़ी देर में सूख जाएगा वो, तो इसीलिए हम क्या करते हैं पेट्री डिश, जैसे हमारी कल्चर मीडिया बनाने पेट्री डिश होती है वैसे ही, पर वो बहुत बड़ी सी होती है, बहुत भी नहीं थोड़ी बड़ी होती है उससे, ताकि काउंटिंग चैम्बर उसके अंदर आ जाए। उसके अंदर नीचे हमें उसी पेट्री डिश के नीचे हमें वो रख देते हैं फिल्टर पेपर, जो कि पानी से थोड़े से एब्जॉर्ब होते हैं, ताकि वो मॉइस्चर बना रहा है, वो सूखे ना, जो भी हमारा सॉल्यूशन काउंटिंग चैम्बर के अंदर पड़ा हुआ है, मेन मकसद ये होता है। फाइनली हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप देख लेते हैं @40x, राइट। अब हम देखने वाले कैसा होगा, तो ये काउंटिंग चैम्बर का एक पार्ट है, जैसे रोहन और राहुल मैंने बोला था, तो टेक एग्जाम्पल ये रोहन वाला पार्ट है। तो इसकी देखें 1 mm का ये होता है, 1 mm का ये होता है, 1 mm का ये होता है, तो टोटल हो गया 3 mm, राइट। 3 mm का इसका क्या होगा, लेंथ, 3 mm इसकी ब्रेथ होती है, और अगर एरिया देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 9 mm। तो अगर ये समझना है तो छोड़ो कोई बात नहीं, किसी अलग वीडियो में काउंटिंग चैम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे, बट ध्यान रखो कि 3 mm इसका लेंथ होता है, ठीक है, यानी 1 mm का ये एक स्क्वेयर होता है। डेप्थ यानी कि कितना इसके अंदर पानी आ सकता है, ठीक है, पानी बोल रहा हूँ मैं, आप समझो सैंपल आ सकता है, 0.1 mm/cube, ठीक है। 0.1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं, 0.1 बहुत ही कम अमाउंट है, यानी बूंद से भी छोटा सा अमाउंट, राइट। हम कहाँ काउंट करते हैं, अगर डब्ल्यू सी की बात करें तो डब्ल्यू सी काउंट होते हैं इन बड़े वाले में, इसमें 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 और इसमें, ये चार जो कॉर्नर वाले हैं बड़े बड़े, इनके अंदर डब्ल्यू सी काउंट होते हैं। सेंटर में काउंट होता है हमारा प्लेटलेट, ध्यान रखना सेंटर में काउंट होता है प्लेटलेट, और सेंटर में भी पूरे में काउंट नहीं हो रहा है, सेंटर के 5 में, 1, 2, 3, 4, 5, इसको ध्यान रखना। तो क्या हो गया, अगर हम इसको लिखेंगे कितने में काउंट हो रहा है, 1/5, क्योंकि 1 में नहीं हो रहा, 1 के भी 5 हिस्सों में, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1/5। अगर देखिए भी कितने में काउंट हो रहा है तो 1/5, और डब्ल्यू की बात करें तो कितने में काउंट हो रहा है, 4 में, 1, 2, 3, 4। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, आप समझो ताकि कैलकुलेशन में इजी हो आपको, राइट। कैलकुलेशन सबके लिए कैलकुलेशन सिमिलर रहती है, इनके लिए जो भी ऐसी चीज होती है, नंबर ऑफ सेल काउंटेड, यानी कि हमने कितने सेल काउंट किए, सपोज हमने सब में 50-50 काउंट करें तो 50 × 5 = 2500 हो गया, राइट, 50-50 काउंट करें हमने सब ने। उसके बाद डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर कितना होगा, 20 × 20, तो 20 डाइल्यूशन फैक्टर। एरिया, एरिया मतलब कितनी जगह में काउंट किया गया, तो 1 में नहीं काउंट किया, 1/5, राइट। डेप्थ, डेप्थ की बात करते हो 0.1 mm, या इसको 1/10 भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट को जाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, जो कि सिंपल कैलकुलेशन है यार। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो n नंबर ऑफ सेल जितने काउंट करेंगे, डाइल्यूशन फैक्टर 20, एरिया 1/5, और डेप्थ 0.1 है, तो हम 1/10 भी लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो n n यहाँ रहेगा, देखो 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो जो नीचे डिवाइड होता है वो ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 10 भी डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो बेसिकली 1 1 बचेंगे यहाँ पे, और टोटल क्या आएगा, 5 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, 25 × 10 क्या आएगा, 200 आ जाएगा ना, नहीं 200 × 5 1000 हो जाएगा पूरा ये, तो
तो एन इंटू थाउजेंड। अब जब भी हमारा जितने भी प्लेटलेट का, अब ये तो थ्योरिटिकल पार्ट है जिसको थोड़ा पता होना चाहिए मतलब थ्योरी के हिसाब से, बट अगर फाइनली हमें काउंट करके सीधा थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देना होता है। इस केस में अगर देखें हम, तो मैंने बोला कि 50-50 सब में, तो 50-50 सब में तो 2500 हो गए इंटू थाउजेंड, यानी 2,50,000 के आसपास बंदे के प्लेटलेट हो गए, जो कि नॉर्मल है क्योंकि 1.5 लाख से 4 लाख इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। एरर की बात करें तो क्या क्या एरर हो सकते हैं टेस्ट को करते हुए। पिपटिंग वॉल्यूम, जैसे हमें 950 माइक्रोलीटर लेना है और 50 माइक्रोलीटर ब्लड, तो उसमें अगर ऊपर नीचे हुआ तो गड़बड़ हो सकती है, तो पिपटिंग वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोइस्ट एनवायरमेंट पेट्री डिश, अगर हमने मोइस्ट एनवायरमेंट नहीं रखा पेट्री डिश को, ऐसे ही रख दिया रूम टेम्परेचर पे वो बाहर निकाल के, तब क्या होगा, सॉल्यूशन सूखेगा और जो प्रॉपर हमको दिखना चाहिए वो अमाउंट के हिसाब से नहीं दिखने वाला, तो गड़बड़ हो जाएगी। नॉट प्रॉपर मिक्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं बताने वाला था कि बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अब ध्यान से देखना नॉट प्रॉपर मिक्सिंग में क्या है। अमोनियम ऑक्साइड डाला इसमें, इडीटी। अब जब हम इडीटी डालेंगे तो इडीटी को पहले हम मिक्स करेंगे, जो वाइल होती है हमारी उसको घुमाएंगे, थोड़ा इन्वर्जन देंगे ताकि जो प्लेटलेट डब्ल्यूबीसी सब है वो मिक्स हो जाए। अदरवाइज अगर स्टैंड करके रखेंगे तो आरबीसी में ग्रेविटी होती है वो नीचे बैठ जाएंगे, डब्ल्यूबीसी उसके बाद प्लेटलेट, तो वो इनएक्यूरेट वॉल्यूम हमको देखने को मिलेगा जो भी सेल के होंगे। मिक्स करके हमने इसमें डालना है, उसके बाद इसको फिर मिक्स करना ताकि जो दो आपस के सॉल्यूशन है इसके अंदर डालने के बाद वो अपना काम करे, जो भी रिजल्ट का काम होगा। इसके बाद हमें जब 5 मिनट के बाद हमें फिर मिक्स करना है, आफ्टर 5 मिनट दोनों को डालने के, मिक्स करने के बाद 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट का फिर हमें मिक्स करना है ताकि हम काउंटिंग चैम्बर में चार्ज करें। अगर इस वक्त हमने मिक्स नहीं किया तब भी नीचे कुछ सेल बैठ जाएंगे तो भी फिर डिस्टर्बेंस होगी, वो गड़बड़ होगा पूरा, तो मिक्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। राइट, फेस कंट्रास्ट। सो फेस कंट्रास्ट, जैसे मैंने बोला कि अगर हमें रिफ्रेक्टाइल पार्टिकल चाहिए तो उसके लिए फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज हमको देखने में थोड़ी गड़बड़ी होगी, बट अगर कोई एक्सपीरियंस हो वो लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकता है। नॉर्मल वैल्यूज की बात करें तो 1.5 लाख से 4 लाख की इसकी पर क्यूबिक एमएम नॉर्मल वैल्यू होती है प्लेटलेट्स काउंट की। कंडीशन क्या होगी, या तो बढ़ेगा या घटेगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल ही है। राइट, अगर घटेगा तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि प्लेटलेट काउंट कम है, कितना से 1.5 लाख से कम है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी 4 लाख से ज्यादा है वो थ्रोम्बोसाइटोसिस। कंडीशन डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सीजन आने वाला होगा कुछ टाइम बाद जहां पे डेंगू डेंगू हमको देखने को मिल जाएंगे, फिर पेशेंट का बस प्लेटलेट काउंट ही चलता रहता है। आईटीपी इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा या आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, इसके अंदर क्या होता है, हमारे खुद का इम्यून सिस्टम प्लेटलेट को मारने लगता है, इसकी वजह से प्लेटलेट कम हो जाते हैं। ड्रग्स एस्पिरिन साइटोस्पिरिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होती हैं कई बार, बट कई बार इनका उल्टा असर भी होता है, पेशेंट के जो प्लेटलेट होते हैं उनको नुकसान कर देती हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया, ये तो आप अपने कान में डाल लो, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, ए मतलब एब्सेंस, सभी सेल एब्सेंस है इसमें, जहां आपने किसी ने पूछा हो कि भाई हमारे डब्ल्यूबीसी कम में क्या हो सकता है मतलब कंडीशन, तो ए प्लास्टिक एनीमिया आप बता दो, क्योंकि ए प्लास्टिक में डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट सब कम हो जाते हैं, तो दिमाग में रख लो। मेलिग्नेंसीज, कई बार क्या होता है जब पेशेंट को कोई ट्यूमर वगैरह होता है तब भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का लेवल कम देखने को मिल जाता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस वैसे जनरली देखी नहीं जाती क्योंकि हर एक की एक सिचुएशन होती है कि बढ़ जाए तो क्या, तो वैसे प्लेटलेट बढ़ते नहीं इतनी जल्दी, बट घटने में बड़ा इनका डेंजरस, क्योंकि घट गए अगर ज्यादा तो प्लेटलेट का काम क्या है, प्लेटलेट प्राइमरी प्लग बनाते हैं जहां ब्लीडिंग होती है, तो प्राइमरी प्लग बनेगा नहीं तो ब्लीडिंग होती रहेगी, इसलिए प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन पेशेंट में ध्यान रखो कई बार नाक में से खून निकलता है गर्मी के टाइम में, कान में से निकल जाएगा, जो हमारे दांत होते हैं इनके गम्स में भी निकल जाता है कई बार थोड़ा सा ही रगड़ा ब्रश से, तो उन पेशेंट में ये दिक्कत होती है कि प्लेटलेट कम हो जाते हैं। ये एक टिप भी आपको, ताकि आपको पता हो कोई अगर ऐसा कर रहा हो तो भी शायद प्लेटलेट कम हो सकते हैं उस पेशेंट के। थ्रोम्बोसाइटोसिस बढ़ जाए तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ऐसी कोई सिचुएशन जनरली देखने को नहीं मिलती, बट फिर भी सब कुछ तो होता ही है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो होती है क्रॉनिक माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ये कॉमन है, नाम याद कर सकते हो कहीं पे पूछा जाए तो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन जहाँ डेफिशिएंसी होगा वहां पे प्लेटलेट का कुछ पंगा रहता ही हमेशा, वो कम हो जाएंगे। या हाइपर एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो, जैसे हमारा प्लेटलेट नहीं बोन मैरो की हाइपर एक्टिविटी, यानी वो बहुत सारे सेल बना रहे हैं, तो उसमें हमारा प्लेटलेट भी देखने को इंक्रीज मिल सकता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी भी, इसको कहते हैं हाइपर एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो, जो कि इन एबनॉर्मल तरीके से कई बार रिस्पॉन्स देने लग जाती है।
तो ये सब चीजें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कई बार हमें जो कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को तो बोन मैरो में दिक्कत आती है, उसकी वजह से भी प्लेटलेट कम बनते हैं, तो वो भी कंडीशन दिख सकते हो। तो यहाँ वीडियो खत्म, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हो आप। एंड थैंक यू ऑल।